हाय दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाएंगे भिंडी की मसाला वाला सब्जी। इसके लिए हम आधा केजी भिंडी लिए थे, धोकर पानी इसको सुखा लिए और इतने बड़ा पीस में काट लिए हैं। अब इसमें हम मसाला को सान देंगे। इसके लिए हम प्याज लिए हैं जो कद्दूकस कर दिए थे। तो इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच और 2 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा गुलकी पाउडर और हल्दी, लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा किचन मसाला। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, हम अच्छे से इसको मिला लिए हैं और नमक इसमें नहीं डाले हैं अभी। अब कढ़ाई गरम करेंगे। अब कढ़ाई देखिए धीप गया है, गरम हो गया है। अच्छी तरह से हम कढ़ाई को गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल में स्वाद अच्छा आता है। ये तेल भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा हींग। अब इसी में हम भिंडी को डाल देंगे। पाँच मिनट के लिए इसको तेज आंच में फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो लचीलापन रहता वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा तेल में हम घाटेंगे। अब देखिए, इसका लचीलापन ख़त्म हो गया है। अब आंच को हम धीमी कर देंगे। अब इसे हम धीमी आंच में झाँक कर पकाएंगे। धीमी धीमी आंच में इसे हम पकाएंगे, झाँक कर। बीच बीच में हम इसे घाटते रहेंगे ताकि सटे ना। 5-6 मिनट हो गया है। अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसको हम बीच बीच में 2-3 बार चला लिए थे। इसमें नमक नहीं डाले थे, इसमें अब डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम फिर से 2 मिनट के लिए झांक देंगे धीमी आंच में। 2-3 मिनट हो गया है। अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी, ये भिंडी अच्छी तरह से पक गया है। इसको 2 मिनट के लिए और झांक देंगे। दो मिनट हो गया है। अभी देखिए कितना अच्छा पक गया है। ये अपना तेल इसमें से निकलने लगा है। अब ये अच्छी तरह से पक गया है। इसे आप पराठा रोटी के साथ खा सकते हैं, परोस सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी मस्त लगता है। अगर ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसे हम बंद कर देंगे। देखिए बन के तैयार हो गया है। अब इसे रोटी पराठा साथ खा सकते हैं।